कोई उम्मीद वर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत तो एक दिन मुयन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, अभी अभी जो आपने यहाँ पे व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो देखा था, तो आज हम आपको बताने वाले कि आप इस तरह के व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप ऐसा व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पे 100% यह वीडियो आपका वायरल होगा। यह वीडियो वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप इसको टिकटॉक पर अपलोड करते हैं या यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, जहाँ पर अपलोड करेंगे वहाँ पर ऐसा वीडियो वायरल हो सकता है, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है। ऐसा वीडियो हर एक आदमी से नहीं बन पाता है, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद बनता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप भी ऐसा वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आप ऐसा वीडियो बनाना चाहते हैं तो बस आपको यहाँ पर वीडियो को 3 से 4 मिनट तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक नोटिफिकेशन बेल दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर ले, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वह आपको एकदम टाइम पर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने काइन मास्टर में और आपको दिखा रहे हैं कि आपको इसको कैसे एडिट करना है और कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है काइन मास्टर ओपन करने के बाद। फिर यहाँ पर आपको ये वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपका यहाँ पर काइन मास्टर ओपन हो जाएगा। तो आपको मीडिया में जाना होगा, और मीडिया में जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में जाना है, और यहाँ से आपको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेना है, और इस पर क्लिक करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसके लेंथ को आप यहाँ पे 15 सेकंड तक के रख सकते हैं, जितना आपको लेंथ चाहिए उतना। और उसके बाद आपको लेयर में क्लिक करना है। फिर मीडिया में जा करके आपको तो सबसे पहले उस इमेज को लेना होगा जिस इमेज को आप एडिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फ़ोटो को डाउनलोड किया है गूगल से। आप चाहे तो अपने फ़ोटो को ले सकते हैं, या आप जिस फ़ोटो को एडिट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसको ले सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉप पे जाना है और इसको इनेबल कर देना है, और यहाँ से आपको शेप को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम ये वाला शेप सेलेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से इसको भी हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर जितना वॉलपेपर, जितना बैकग्राउंड उतना हम फ़ोटो को लेंथ कर लेते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करना है आपको। और 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर क्लिक करना है आपको। और उसके बाद आपको नीचे वाला इमेज पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे जाना होगा कलर फिल्टर में। और कलर फिल्टर में जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट वाला जो दिख रहा है आपको उसको सेलेक्ट कर देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फिर से उसी वाले लेयर पर क्लिक करके आपको ओवरऑल एनिमेशन में जाना है, और यहाँ से आपको ब्लिंक शो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा थोड़ा सा वीडियो का एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब 50% कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि आपको लेयर पे क्लिक करना है, और उसके बाद मीडिया में जाना है। और मीडिया में जाने के बाद आपको एक एनिमेशन को डाउनलोड करना होगा यूट्यूब से। तो आप यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और इसके बाद यहाँ पर आपको इसको फुल स्क्रीन में कर देना है लाने के बाद। और फिर आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको कैचुअल ऑप्शन पर जाना है, और इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको पूरा कट करके हटा देना है इस पर क्लिक करके। और इसके बाद आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे ब्लेंडिंग में जाना होगा, और ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपको एक स्क्रीन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है आपको। और इसके बाद आपका वीडियो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे प्रोफेशनल व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो को बना सकते हैं। तो ये वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव और काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने में प्रोफेशनल दिखता है। और इसके बाद आपको क्या करना होगा कि इसको आपको शेयर पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके आप इसको एक्सपोर्ट कर ले। तो इस तरह से आप ऐसे वीडियो को बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ सीखा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कर दे। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में।